घर में मौजूद चीज़ों से आज हम बनाएंगे एक ऐसा सीरम जो कि आपकी हर तरह की स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेगा। 1 वीक चैलेंज हम ले रहे हैं, तो किस तरीके से बनाना है, लगाना है, बाकी सारी चीज़ें वीडियो में आगे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चावल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, उसी तरह से चावल हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए क्यों ना हम 7 डे चैलेंज लेते हैं जिसमें हम चावल का इस्तेमाल करेंगे। लगातार 7 दिनों तक ये जो मैं आपको बना करके यहाँ पे दिखाऊंगी, ये सीरम आपको बना करके डेली रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे लगाना है। 7वें दिन आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होगा। आपने सुना ही होगा कि कोरियाई वुमेन्स की जो स्किन है ना, तो वो पूरे संसार में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। और उनकी इस खूबसूरत स्किन का सीक्रेट जानते हो क्या है? वो है चावल। ये अपनी स्किन केयर में चावल को हमेशा शामिल करके रखती है, इसलिए इनकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए मेरे साथ आप भी लीजिए ये 7 डेज चैलेंज, और एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। किस तरह से इसे बनाना है, लगाना है, वो सब मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताती रहती हूँ। तो देखिए, ये है मेरे हाथ में सीरम, ये जो मैंने अभी बनाया है चावल का सीरम है। एंड किस तरह से बनाना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक कटोरी में ले लिया है, साइड में आप देखते चलिएगा, सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के लगभग 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना है सीरम, जितने दिनों के लिए आप बना करके रखना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, लेकिन हम 1 वीक चैलेंज ले रहे हैं तो 7 ही दिनों के लिए मैं ये सीरम बना करके आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको भी इसे बना करके स्टोर करके नहीं रखना है। और एक बात की, इसे बना करके आपको फ्रिज में ही स्टोर करना है, बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसके आपकी स्किन के लिए और भी फायदे होंगे जब आप इसे फ्रिज में रखोगे, और अगर आप बाहर रखोगे तो गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, ये आपका खराब भी हो सकता है, क्योंकि हमने नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और जब हम खुद से कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं, हम उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, कोई केमिकल ऐड नहीं करते, उस वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक आप बाहर नहीं रख सकते हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के, एंड 2 मैं इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करूंगी। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप इसे डेली वेयर में भी अपनी स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे ओरली खाना नहीं है। खाना कुछ लोग, क्योंकि ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है, तो खाना भी स्टार्ट कर देते हैं कि हमें और भी अच्छा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कोई भी इस तरह की चीज़ बिना आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी है। तो 2 चीज़ें हमारी हो गई है यहाँ पर। अब हमने चावल और फ्लैक्स सीड्स का जेल बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए चावल, कोई से भी जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो वाले चावल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। मैंने ये ऑर्गेनिक चावल है, मतलब हमारे खेतों में उगते हैं वो वाले, इसलिए आपको थोड़ा टोटा फॉर्म में ये दिख रहे हैं, मतलब छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो आप जो भी यूजुअली बासमती या कुछ और भी जो भी आप खाते हैं वो वाला यहाँ पे राइस ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो मैंने लिया है वही आपको लेना है, उस तरह से ही कहीं मार्केट में ढूंढने लग जाए तो ऐसा नहीं है। आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, और लगभग 3 से 4 चम्मच आपको यहाँ पे चावल के लेने हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसमें 2 से 3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स के ऐड करूँगी। आप दोनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में भी रख सकते हो, तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप लीजिएगा। एंड अब कोई सभी बर्तन आप लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर लीजिए, और दोनों चावल और ये जो फ्लैक्स सीड्स हैं इनको आप ऐड कर लीजिए। फ्लैक्स सीड्स आपको नियर बाई आपके मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है, अलसी के दाने हम इसे बोलते हैं, बीज बोलते हैं। तो अब क्या करना है कि गैस पे आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिएगा, और जब तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको पकाते रहेंगे। जब आपका ये, आपको खुद ही फील हो जाएगा, मतलब जब ये फ्लैक्स सीड्स, आपको पता ही है कि एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो चावल हैं ये भी मांड की तरह, मतलब थोड़ा थिक हो जाते हैं अगर आप इनको अच्छे से पकाते हो, तो बस हमें उसी तरह का जेल निकालना है। और दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत फायदेमंद हैं। खाली अगर ये चीज़ भी आप इस्तेमाल कर लेते हो ना, तो तब भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अच्छी तरह से इसे पकाइएगा जब तक कि अच्छे से कुक ना हो जाए, अपना जेल जो है जेल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, जैसा भी आप देख रहे हैं साइड में। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया, और जब मुझे लगा कि नहीं, अब ये अच्छे से कुक हो चुके हैं और एक जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, गर्मा गर्म ही एक मोटी जैसी छलनी लीजिएगा और उसमें आप इसे छान लीजिएगा। इस तरीके से आप इजीली, मतलब गर्मा गर्म छलनी की हेल्प से छान लीजिए, और जो ये आपके पास चावल और फ्लैक्स सीड्स के दाने बच गए हैं,
इसको आप फेंकना नहीं है, इसको भी इसको आप मिक्सर जार में दूध के साथ पीस लीजिए। तो इसका आप फेस के लिए फेस पैक बना सकते हैं, जो कि अगेन बहुत फायदेमंद होगा। और अगर आप इसको सिंपल प्लेन वाटर के साथ मिक्सर जार में पीस करके अपने लिए हेयर मास्क भी तैयार कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को आप अपने बालों के लिए और स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक मास्क तैयार कर लीजिए, जो आपको सूटेबल लग रहा है उस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फेंकना नहीं है। और जो हमने यहाँ पे जेल निकाल लिया है, तो अब इसको हम जो एलोवेरा और विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं उसमें ऐड कर लेंगे। सेम क्वांटिटी आपको रखनी है, जितना हमने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही ये जो हमने चावल और अलसी के बीजों का मास्क अभी बनाया है, जेल बनाया है, तो वो भी आपको सेम ही क्वांटिटी में रखना है। ये भी ले लिया। इसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे, वो है गुलाब जल। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन भी है ना, तो उसके लिए भी फायदेमंद है, और नॉर्मल टू ड्राई है, तो उसके लिए भी हमने पहले ही विटामिन ई इसमें ऐड कर ली है। तो हर तरह की स्किन टाइप वाला इस सीरम को इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, आप इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, वो है नींबू का रस। आधा कटा हुआ नींबू का रस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो, अगर नहीं सूट करता है तो आप स्किप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचुरल इन्ग्रीडियंट जो आपको सूट नहीं करता है, वो आपको अपनी स्किन पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो अच्छी तरह से आप इसे एक बार मिक्स कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी सीरम की खाली बॉटल है, मतलब ड्रॉपर वाली, तो आप उसमें भी भर के रख सकते हैं, या फिर पंप वाली है उसमें भी भर के रख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये लगाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। और 7 डेज के लिए फिर आप इसे फ्रिज में रख लीजिए। रोज रात को पहले अपने अपना चेहरा आपको अच्छे से वॉश कर लेना है फेस वॉश की मदद से। चाहे तो आप टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब जल को ही एज अ टोनर आप लगा लीजिए, और उसके बाद इस सीरम को आप अपने फेस पे लगाइए कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं। अच्छे से मसाज कीजिए ताकि आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसे जल्दी से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। और अब इसे इसी तरह से लगा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। सुबह मॉर्निंग में अपने फेस को जैसे भी आप वॉश करते हैं उस तरीके से वॉश कर सकते हैं। लगातार 7 दिन तक जब आप ये काम करोगे, तो आपको खुद ब खुद डे बाई डे जब आप इसे यूज़ करते जाओगे, तो आपको अपनी स्किन में डिफरेंस दिखता जाएगा। बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसके आपको देखने को मिलते हैं। ये आपकी एजिंग साइंस को छुपाता है। अगर आपको रिंकल्स वगैरह की समस्या हो रही है, उसके लिए दा बेस्ट है। अगर आपको पिंपल्स होते हैं ज़्यादा, उसके लिए भी बहुत कारगर है। साथ ही अगर पिगमेंटेशन की समस्या है, कोई फेस के ऊपर दाग धब्बा है जिद्दी पिंपल्स की वजह से हो गया है, जो छूट नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें एकदम गायब हो जाती है। ओपन पोर्स की समस्या के लिए भी बहुत बेस्ट है। मतलब ये आप ये बोल सकते हो कि हर तरह की स्किन प्रॉब्लम का इलाज है ये, तो क्यों ना आप ये चैलेंज लें और अपनी हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को खत्म कर दें। इनकेस अगर बहुत ज़्यादा आपको पिगमेंटेशन की समस्या है, तो आप रेगुलरली इसे यूज़ करते जाइए, एक हफ्ता ही नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपको पिगमेंटेशन की समस्या है या ऐसा गहरा दाग जो आपकी स्किन से जा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगता है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एकदम से रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आप इसे तब तक यूज़ करते रहिए जब तक कि आपके दाग धब्बे जो है ना पूरी तरह से गायब ना हो जाए। तो इस तरीके से इस सीरम को एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। एंड आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस वीडियो को करीब यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।